नागपुर महामेट्रो का विस्तार आसपास के शहरों तक किया जाएगा। इन शहरों तक पैसेंजर ट्रेन के बजाय वातानुकूलित मेट्रो को चलाया जाएगा। इस मेट्रो प्रकल्प को राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दी है। इस प्रकल्प के लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख कई वर्ष से प्रयासरत थे। योजना के अनुसार नरखेड़, भंडारा, वर्धा, वरामटेक को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। नागपुर से नरखेड़ तक मेट्रो 85.53 किलोमीटर चलेगी। करीब 11 स्टेशन रहेंगे। शहर के यातायात व्यवस्था में सुधार के लिहाज से 2018 में एक सामंजस्य करार किया गया था, लेकिन करार में कई त्रुटियां थी। केंद्र सरकार के इस प्रकल्प के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक थी। प्रकल्प में राज्य सरकार की आर्थिक भागीदारी रहेगी। इसके लिए KFW संस्था से कर्ज लेने व पत्र व्यवहार की जवाबदारी महामेट्रो को दी गई है। महामेट्रो विस्तार का कार्य दो चरणों में होगा। पहले चरण में 2021 से 2031 तक कार्य पूरा होगा। दूसरे चरण में 2031 के बाद काम की शुरुआत होगी। नागपुर से नरखेड़ 85.53 किलोमीटर, नागपुर से वर्धा 78.8 किलोमीटर, नागपुर से रामटेक 41.6 किलोमीटर व नागपुर से भंडारा 62.7 किलोमीटर मेट्रो चलेगी। विकास को गति मिलेगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि नागपुर नरखेड़ मेट्रो प्रकल्प से नरखेड़ काटोल परिसर में विकास कार्य को गति मिलेगी। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।